नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SG कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आप सभी लोगों को आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक गांधी युग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों के मोटिवेशन के लिए कहना है, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर, कभी करेंगे लोग गौर, कभी लगे रहो, लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले पढ़ते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी था। पत्नी कस्तूरबा गांधी। आप लोगों को बता दूं, महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक जीवन था वो ग्रामीण क्षेत्र से था, इसीलिए उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में, मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। और लगभग ऐसा माना जाता है कि उस समय कस्तूरबा गांधी की आयु भी 13 वर्ष थी। पढ़ाई के क्रम में महात्मा गांधी जी 1889 से 1891 तक ब्रिटेन में रहे और वहां रहकर इन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। बैरिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद इन्होंने वकालत के लिए भारत आना सोचा और फिर भारत आकर इनकी मुलाकात गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला से हुई। दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका चलकर इनके मुकदमे को सॉल्व कराने के लिए रिक्वेस्ट किया। तभी महात्मा गांधी, जो कि काफ़ी सरल स्वभाव के थे, उन्होंने इनके प्रस्ताव को, इनकी बात को मान लिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए 1893 को चल दिए। वहां जाकर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों की काफ़ी दयनीय दशा देखी, क्योंकि वहां के जो गोरे लोग थे वो काले गोरे का भेद करते थे। एक घटना है, गांधी जी डरबर से पिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, उसी समय मेरितसबर्ग एक रेलवे स्टेशन का वहां पर नाम पड़ता है, वहां से इन्हें फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, जो यात्रा कर रहे थे, ब्रिटिश अधिकारी ने फर्स्ट क्लास के डिब्बे से इनको बाहर उतार दिया। काफ़ी दुर्व्यवहार करके गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। वहीं से हम दोस्तों इनके, महात्मा गांधी जी के जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है वो एक यही रेल कांड की घटना के नाम से ही जानी जाती है। तभी से इन्होंने सोच लिया कि काले गोरे का हम भेद मिटाकर रहेंगे, और उसके बाद इन्होंने भारतीयों को एकजुट करके दक्षिण अफ्रीका में एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही अपनी एक पत्रिका निकाली 1903 में, द इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। उसके बाद इन्होंने 1904, उसके एक साल बाद, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। देखिए दोस्तों, 1893 से लेकर 1915 तक की जो भी घटनाएं हैं वो सब दक्षिण अफ्रीका की ही है, चाहे वो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो, चाहे वो रेलकांड की घटना हो, या इंडियन ओपिनियन हो, या फिनिक्स आश्रम हो, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो इसलिए जो भी पहले की घटनाएं हैं बीच की वो सारी दक्षिण अफ्रीका की हैं।
उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत्य और अहिंसा के माध्यम से सच्चाई की जीत के लिए प्रयास करना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया। तो अगर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग पूछ रहा है तो उन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब किया, तब यह नहीं होगा। तब 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, वह भारत में उनका प्रथम सत्याग्रह था। तो दोस्तों उनका जो प्रथम सत्याग्रह था वह दक्षिण अफ्रीका में था। उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंद स्वराज। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय इत्यादि आदि लोगों की पुस्तकों का अध्ययन किया। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी थी महात्मा गांधी जी के बारे में। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें पूरा एकदम कम्प्लीटली याद हो जाए। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हमने बताया आपको 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता पुतलीबाई गांधी। इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुई। इन्होंने 1889 से लेकर 91 तक ब्रिटेन इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद वहां से आकर इन्होंने 1893 में मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला खां के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। और जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था वो प्रिटोरिया में जो रेल कांड हुआ, इनको ट्रेन से उतार दिया गया, यह इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो कि काफ़ी प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने 1903 में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। आपको मैंने पहले भी बताया इन्होंने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। अपनी पुस्तक उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज लिखी। वहाँ रहकर इन्होंने टॉलस्टॉय आदि की पुस्तकों का अध्ययन किया और उनके किताबों से प्रभावित हुए। उसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी जी भारत वापस आते हैं। कब आते हैं? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। और दोस्तों 2003 से 9 जनवरी को हर दूसरे वर्ष एक वर्ष छोड़कर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ऐसा दिन था जो कि बहुत खुशी का दिन था। इसीलिए 9 जनवरी को प्रति एक वर्ष छोड़ करके हम कह सकते हैं हर दूसरे साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब से हुई। तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 से होती है। आइए देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद भारत की पृष्ठभूमि को समझने के लिए तथा राजनीति को कुछ समझने के लिए उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना। वहां से आकर के इन्होंने 1916 में अहमदाबाद में 1916 में अहमदाबाद में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए उस समय यह दौर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच के, हम कह सकते हैं जो कि प्रथम विश्व युद्ध का समय था। तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सोचा हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, भला सोचेंगे, तो हमें वो कुछ
कम परेशान करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, आइए देखते हैं। उन्होंने भारतीयों को इंग्लिश सेना में, अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए, भारतीयों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया या कह सकते हैं उकसाया। इसीलिए भारतीय लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट की संज्ञा देते हैं। तो महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट की संज्ञा भारतीयों ने दिया। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों हम लिख सकते हैं, लिखेंगे, महात्मा गांधी जी को दी जाती है। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने इससे पहले भी कुछ अच्छे कार्य के लिए जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे अपने अच्छे कार्यों के लिए। उसके बाद इनकी मुलाकात बिहार के प्रमुख आंदोलनकारी या स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला जी से हुई। राजकुमार शुक्ला ने इनसे बिहार में चल रहे तीन कठिया प्रणाली के समर्थन में आने के लिए कहा और उसको सुलझाने के लिए कहा। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं तीन कठिया प्रणाली क्या है। तो तीन कठिया प्रणाली ये था खेती के 20 हिस्से के तीसरे हिस्से में, जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें नील की खेती भारतीयों को करना अनिवार्य था। और भारतीय नील की खेती करने में उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि नील की खेती उन्हें करना पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि नील की जो खेती होती थी वो उपजाऊ भूमि को एकदम बंजर बना देती थी, उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती थी तथा नील की जो जड़ें होती थी वो पूरी अंदर तक जाती थी, इसलिए भारतीय इसको करने में पीछे थे। तो वहाँ से आकर महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए और इस तीन कठिया प्रणाली के विरोध में इन्होंने साथ दिया और काफ़ी हद तक ये सफल रहा। अंग्रेजों ने इसमें 25% तक लगान में छूट दी। उसके बाद इसी क्रम में इस चंपारण सत्याग्रह, इसे बिहार में जो तीन कठिया प्रणाली थी इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के जो तीन कठिया प्रणाली थी इसके सफल होने के बाद महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो दोस्तों ये कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। तथा किस आंदोलन के बाद दी, किस सत्याग्रह के बाद? तो दी थी चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद। उसके सफलता के बाद इन्होंने अपना अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में किया। तो दोस्तों अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन क्या है? अहमदाबाद में चल रहे टेक्सटाइल जो मजदूर थे उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, तो इसमें महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनके साथ अहमदाबाद मील मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो महात्मा गांधी की ये पहली भूख हड़ताल थी जो कि अहमदाबाद मील मजदूर में थी। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके महात्मा गांधी राजनीति में भी सफल होते दिख रहे थे। उसके बाद इनका एक कदम 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन दोस्तों क्या था, जो कि वहाँ की जो खेती थी कुछ मौसम के कारण काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज इनसे फिर भी कुछ लगान वसूलने की जिद कर रहे थे। इसमें महात्मा गांधी ने साथ दिया और इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से बात की तथा इसमें साथ दिया। तब अंग्रेज़ों ने इसमें कुछ अनुदान दिया, जबकि अगर हम देखें राजस्व संहिता के अनुसार अगर खेती का 1/4 फसल नहीं उत्पादित हो रही है तो वहाँ पर हमें राजस्व जो लगान होता है वो हमें नहीं लेना चाहिए।
इसीलिए महात्मा गांधी ने उनके साथ बात की और इस बात का विरोध किया। तत्पश्चात अंग्रेज उनकी बात को माने, तब उनको लगान में कुछ छूट दी। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि एक बड़ा विरोध का वातावरण तैयार हुआ। वह घटना थी 1919 में रॉलेट एक्ट का लागू होना और रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होना। इस घटना के बाद पूरी भारत व्यवस्था में एक आंदोलन की जड़ें बनने लगी। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद भारत में एक बड़े आंदोलन की जड़ें बनने लगी। अब पता चल गया था कि एक बिना बड़े आंदोलन के अब कुछ होने वाला नहीं है। इसी क्रम में जब प्रथम विश्व युद्ध की 1918 में समाप्ति हुई, तभी भारतीय लोग आस लगा बैठे हुए थे कि अब अच्छा होगा, लेकिन 1919 के रॉलेट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तथा दूसरी ओर जो तुर्की खलीफा थे, जो पूरे विश्व के मुसलमानों के नेता हुआ करते थे, उनके खिलाफ ब्रिटिश सत्ता अनैतिक व्यवहार कर रही थी, उसी के विरोध में यहाँ भारतीय मुसलमानों ने भी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। जो खिलाफत दोस्तों खिलाफत आंदोलन था, ये 1919 से लेकर 1922 तक चला। इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों हमने बताया तुर्की के खलीफा, तो तुर्की के खलीफा का मतलब क्या है? तुर्की के खलीफे का मतलब है मुसलमानों के नेता। जो तुर्की खलीफा थे पूरे विश्व के मुसलमानों के नेता हुआ करते थे, इसीलिए भारतीय जो मुस्लिम थे इन्होंने भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया और क्या किया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में सर्वप्रथम अली बंधुओं ने की, इसकी शुरुआत अली बंधुओं ने की। उसके बाद महात्मा गांधी को इसका नेता चुना गया और गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चला। दोस्तों यहाँ से प्रश्न एक और बनता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन का संचालन क्यों किया? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि महात्मा गांधी जी खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भारतीय मुस्लिमों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने इस आंदोलन का संचालन किया और यह काफ़ी हद तक सफल रहा। इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड और कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। तभी गांधी जी ने स्टार्ट कर किया असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से हुआ। हालांकि इस आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 से हो जाती है। गांधी जी ने कांग्रेस से यह मांग किया कि इस आंदोलन को पारित किया जाए, लेकिन यह आंदोलन कलकत्ता के प्रथम अधिवेशन में नहीं पारित हुआ, परंतु नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ, उस प्रस्ताव में, उस अधिवेशन में इस आंदोलन को पारित किया गया। यह आंदोलन काफ़ी तीव्र चल रहा था और काफ़ी हद तक सफल था, लेकिन इस आंदोलन के पारित होने के क्रम में कुछ नेताओं ने, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने और एनी बेसेंट ने, इसका विरोध किया, मतलब इनके समर्थन में नहीं थे। यहाँ तक कि एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। एनी बेसेंट का कहना था कि हम असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को नहीं झुका सकते हैं और उनसे हम नहीं जीत सकते हैं। यह आंदोलन काफ़ी हद तक तीव्र रूप से चल रहा था और इसे हम काफ़ी सफल थे और अंग्रेज जो है इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस आंदोलन को दबाया जाए। तभी एक दोस्तों घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को, जो कि गोरखपुर में एक घटना थी। 5 फरवरी 1922 को कुछ ग्रामीणों ने एक थाने में एक थानेदार तथा 21 सिपाहियों को बंद करके उसमें आग लगा दिया, जिससे कि जब गांधी जी को यह पता चला कि ऐसी ऐसी घटना है, तो जो कि यह एक हिंसात्मक घटना थी या और गांधी जी हिंसा के रूप से ऐसे आंदोलन को नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। जब उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी, तब जो भारतीय कुछ नेता थे जैसे लाला लाजपत राय और
आपके चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने पहले विरोध किया था लेकिन बाद में उन्होंने कहा हाँ असहयोग आंदोलन सही है। उसके बाद ये फिर जब इन्होंने महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड घटना के बाद वापिस ले लिया, तब इनके ये महात्मा गांधी और चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू में बात नहीं बन रही थी, मतलब ये इनके अब समर्थन में नहीं थे। तो दोस्तों ये जो असहयोग आंदोलन था ये काफी हद तक सफल होता दिख रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने जब इसे देखा कि ये हिंसात्मक रूप ले रहा है इसलिए इसको वापस ले लिया। तभी दोस्तों स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 इलाहाबाद में किया। इस स्वराज पार्टी का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्य यह था ऐसा था, 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतीय क्षेत्र के चुनाव क्षेत्र थे वहां भारतीयों को चुनाव लड़ने की परमिशन मिली थी, तो प्रांतीय चुनावों के माध्यम से सरकार में प्रवेश किया जाए और फिर सरकार में प्रवेश करके ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जाए। और इसी उद्देश्य से स्वराज पार्टी का गठन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। तो यानी कि दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना, स्वराज पार्टी के गठन किया जाए और विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए। तो यहाँ दोस्तों हमने देखा कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा कांड घटना को देखते हुए, तब गांधी जी चितरंजन दास के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, तो उसी को लेकर बाद में गांधी दास पैक्ट कहें या गांधी दास समझौता 1924 में होता है। तो गांधी दास पैक्ट का मतलब हम समझ सकते हैं गांधी, महात्मा गांधी, और दास का मतलब है चितरंजन दास में जो समझौता हुआ, इनके सुझाव मिले आपस में, यह कब हुए? 1924 में हुए। तो दोस्तों यह घटना जो असहयोग आंदोलन है यह महात्मा गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ा आंदोलन था। यहाँ पर जो हमने देखा ये एक छोटे छोटे संघर्ष थे जिसमें कि महात्मा गांधी काफी हद तक सफल रहे, चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब एक छोटे छोटे संघर्ष थे जिसमें कि महात्मा गांधी काफी हद तक सफल थे और उनके आंदोलन काफी हद तक सफल थे। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था ये महात्मा गांधी के जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि 1930 से 1934 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे शुरुआत हुआ, आइए देखते हैं। तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के पास 11 सूत्री पर मांग रखी, जिसमें कि था सैनिकों के खर्च को कम करना, जो भारतीय बंदी है उनको छोड़ना, ऐसी कुछ उन्होंने समस्याएं जो थी उनके 11 सूत्री मांग थी उन्होंने रखा। लेकिन जो इरविन थे उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस पर फोकस नहीं किया। उसी के विरोध में दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। तो दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई, जो दांडी जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इस दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई और यह जो दांडी मार्च था गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ स्टार्ट किया था, और दांडी पहुंचते पहुंचते इनके साथ लाखों अनुयायी थे, लाखों इनके समर्थक थे, जो कि जो ये दांडी मार्च था अहमदाबाद से दांडी तक की जो यात्रा की दूरी तय की गई थी वो 241 मील दूरी थी। तो यहां से दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दांडी मार्च की यात्रा कब प्रारंभ हुई। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930
को समाप्त हुई और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में हुआ, एक तो हुआ 30 से लेकर 31 तक, और उसके बाद दूसरा जो इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरण था वो 32 से 34 तक चला। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन को काफ़ी परेशान कर रहा था। उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी से बात की तथा गांधी इरविन समझौते के लिए गांधी जी को बुलाया, और गांधी इरविन जो समझौता था वो 5 मार्च 1931 को हुआ। जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत हुआ। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। तो ब्रिटेन में एक मीटिंग हुआ करती थी, जो एक गोलमेज थी उसके चारों ओर कुछ सदस्य बैठकर आपस में अपनी बातें कर रखते थे, तो इसीलिए इस सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन कहा गया। ब्रिटेन में क्रमशः 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932। जो ये गांधी इरविन समझौता था यह 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत हुआ, 5 मार्च 1930 को। तो दोस्तों अगर हम बात करें गोलमेज सम्मेलन प्रथम की, इसमें कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था, इसीलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि गांधी जी ने, इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था, और इसी में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तथा यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन बनता है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है, दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई, जो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में की गई। तो ये दलितों का जो निर्वाचन क्षेत्र था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसका मतलब क्या है। तो 1932 में जो ये समझौता हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें यह कहा गया कि दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, दलितों का चुनाव दलित ही वोटर बनेंगे, दलित ही मतदाता मत अपना प्रदान करेंगे, दलितों के लिए चुनाव हो और उसमें दलित ही वोट डालें। यह एक प्रकार का हिंदुओं को तोड़ने वाली घटना थी। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इस निर्णय का विरोध किया और वह अनशन पर बैठ गए, और उन्होंने अनशन किया, इसका काफी समय तक विरोध किया। बाद में 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। महात्मा गांधी ने यह कहा कि अब जो दलितों का निर्वाचन क्षेत्र है, जो सीटें हैं, इनको हम 71 से बढ़ाकर और हम आगे कर सकते हैं, लेकिन दलित के चुनाव में दलित ही वोट डालें यह मुझे मंजूर नहीं है, यह भारत को एक तोड़ने वाली घटना है। इसलिए इस समझौते में हुआ 71 से बढ़ाकर इनके सीटों की संख्या 147 कर दी गई। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं गांधी जी अपना अगला सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, यह अभी RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन थे दोस्तों, विनोबा भावे थे, और तथा इसके दूसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। तथा दोस्तों यह भी बात ध्यान रखना, इसके तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, अगर पूछे तो 1940 में हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो दोस्तों यह जो समय था 1940 का, कह सकते हैं यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश चाहते थे भारत जो है एक बार फिर से उनकी मदद करे और उनकी सेना की तरफ से लड़े, लेकिन भारत एक बार उनका प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करके देख चुके थे।
अंग्रेजों ने उनका कोई सहयोग नहीं किया था भारतीयों का, इसलिए वह अब इस खेल में दोबारा नहीं पढ़ना चाहते थे। इसी दौरान भारत में क्रिप्स मिशन आया, उसको महात्मा गांधी ने दिवालिया हो चुके बैंक का चेक कहा। क्रिप्स मिशन को दिवालिया हो चुके बैंक का चेक महात्मा गांधी जी ने कहा। तो इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट की, अंग्रेजों से कहा भारत छोड़ो अब अपने घर जाओ। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की, 1942 में की। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इस भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त की जो घटना थी इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी। तो दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर, महात्मा गांधी को और उनके कई सहयोगियों को कैद कर लिया गया तथा महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया। जैसा कि इस भारत छोड़ो आंदोलन में कार्य कर रहे, भाग ले रहे महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को जब कैद कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो द्वितीय पंक्ति के नेता थे उन्होंने इस भारत छोड़ो आंदोलन को काफी हद तक स्टार्ट रखा। रेज विवश हो गए और अंत में भारत को आज़ादी मिली तथा इस समय जो भारत को आज़ादी मिली तथा बाद में भारत दो भागों में बट गया, इस समय हिंसा का समय चल रहा था, और महात्मा गांधी उस समय हिंसा के समय हिंसा में पीड़ित लोगों के परिवार पारिवारिक जनों की मदद कर रहे थे। तो उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। तो ये दोस्तों था महात्मा गांधी के बारे में वन डे एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। और आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। तो महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को मार दिया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आप लोगों ने पढ़ा आज महात्मा गांधी के बारे में वन डे एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज हमारी यह पहली क्लास थी। अगर आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में जो भी हमने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो कम से कम आप एक लाइक हमारे लिए तो कर ही सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।